हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका होस्ट अमनदीप। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो है सोलर एनर्जी के बारे में। मैं अपने नानके के गांव पंजाब में आया हुआ था, तब मैंने यहां पे आके ये प्रोजेक्ट देखा जो कि रिसेंटली यहाँ पे लगवाया गया है, जिसमें डायरेक्ट सोलर लाइट से मोटर चल रही है और खेतों में पानी लगाया जा रहा है। इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं, ऊपर सोलर के 15 पैनल लगे हुए हैं, पांच पांच के सेट में। और ये जो मोटर का रूम रहता है पंजाब में, जैसे जो पंजाब से होंगे या बाकी किसान लोग हैं उनको पता रहता है कि ऐसे एक कमरा बनाया रहता है मोटर के लिए, उसके ऊपर ही ये शेड लगा के ये मोटर लगी हुई है। देखिए यहाँ पे नहर के किनारे हैं ये इनके खेत, यहाँ पे पानी सिर्फ 40-50 फुट की गहराई पर ही मिल जाता है। तो ये जो मोटर है 5 HP की मोटर जो लगी हुई है, वो डायरेक्ट बिना किसी बैटरी लगाए डायरेक्ट जो है सूरज की रोशनी से बिना किसी बिजली का उपयोग किए ये जो मोटर है पानी दे रही है। ये देखिए, अभी आज थोड़ा मौसम धुंध है, थोड़ा सा धुआं सा होने के कारण अभी पानी कम है। जैसे ही सूरज ज़्यादा तेज़ रोशनी के साथ चमकता है तो पानी का जो है प्रेशर और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। और इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुई है बस, इनकी कॉस्ट थोड़ी हाई है, बट धीरे धीरे जब जैसे इनका चलता रहेगा तो कॉस्ट वो सारी कवर हो जाएगी और बाद में इसका सारा बेनिफिट होएगा, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपको नहीं लेना पड़ता, सारा जो है प्रकृति का कमाल है, जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका यूज़ करके और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ये देखिए, टेक्नोलॉजी के यूज़ से जो है ये सारा प्रोजेक्ट लगा है और किसानों को इसका फ़ायदा हो रहा है। अभी हमारे देश में ये जो टेक्नोलॉजी है आनी शुरू हुई है थोड़ा, पर ये ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर की कंट्रीज हैं वो हमसे कहीं आगे निकल चुकी हैं इन चीज़ों के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।